कानूनी पचड़े में फंसे आयुष्मान खुराना, एक्टर पर लगा चोरी का आरोप। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों सातवें आसमान पर है। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पिछले साल ही वो फिल्म बधाई हो ने एक अलग रिकॉर्ड तैयार किया है। इसके अलावा अंधाधुन ने भी जबरदस्त कमाई कर लोगों का दिल जीता है। आयुष्मान खुराना के लिए साल 2018 बेहतरीन रहा है, लेकिन अब आयुष्मान अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि आयुष्मान पर चोरी का आरोप लगा हुआ है। हुआ ये है कि हाल ही में सुधीर मिश्रा के असिस्टेंट डायरेक्टर कमलकांत चंद्रा ने सुशांत समेत कई और लोगों पर चोरी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा के असिस्टेंट डायरेक्टर कमलकांत चंद्रा ने आयुष्मान खुराना फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन और डायरेक्टर अमर कौशिक पर उनकी फिल्म बिग की कहानी चुराने का आरोप लगाया है, जिसके चलते उन्होंने बीते शुक्रवार को मुंबई हाई कोर्ट में इन तीनों के ऊपर केस भी दर्ज करवा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बरेली की बर्फी की शूटिंग के वक्त इनकी आयुष्मान से मुलाकात हुई थी। राजकुमार को कमल पहले से जानते थे, इसके बाद वो आयुष्मान से भी मिले। तब उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी आयुष्मान से व्हाट्सएप पर शेयर की थी, जो आयुष्मान को बेहद पसंद आई। इसके बाद आयुष्मान ने कमल को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जब कमल वहां पहुंचे तो आयुष्मान नहीं आए। उनका कहना है कि उन्होंने आयुष्मान से मिलने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कमल के मुताबिक जब वो आयुष्मान के मैनेजर को फोन करते वो कह देता कि सर बिजी हैं, लेकिन इसके बाद जाकर कमल को पता चला कि इसी सब्जेक्ट पर कोई फिल्म बन रही है। इसके बाद उन्होंने आयुष्मान, दिनेश और अमर कौशिक तीनों को नोटिस भेजा, जिस पर तीनों का कोई सही जवाब नहीं आया। इसी के चलते कमल ने हाईकोर्ट में यह केस दर्ज करा दिया। बता दें कि ये सब कुछ फिल्म बाला को लेकर हुआ है, जिसमें आयुष्मान जल्द ही दिखने वाले हैं। फिलहाल स्त्री के प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने इस मामले को लेकर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो खुद कहानी को काफी वक्त से लिख रहे हैं, देखते हैं कि आखिर क्या होता है।